गाइस कितना अच्छा लगता है ना जब हम लोग अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड को परचेज करते हैं और जब वो डॉग हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है तो हमारे पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। और ये चीज किसी एक के साथ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी के साथ होती है। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टेस्ट एंड बहुत ही फेमस डॉग ब्रीड के बारे में जो है जर्मन शेफर्ड। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि गाइस इंडिया में बहुत सारी डॉग ब्रीड हैं, तो उन सभी डॉग ब्रीड में से आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो गाइस बहुत सारी ऐसी डॉग ब्रीड हैं जिनके साइज में आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जर्मन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसके आप लोगों को कोट में ऑप्शन मिल जाएंगे क्योंकि अलग अलग कोट्स में होते हैं। वैसे तो जो लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड होते हैं वो दिखने में काफी ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन यार उनके ओनर्स ही जानते हैं उनको मेंटेन रखने में कितनी मुश्किल होती है। और जब भाई शेडिंग का सीजन आता है तो पूछो ही मत, घर के हर एक कोने में आप लोगों को इतने हेयर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप लोग इरिटेट भी हो सकते हो। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे मीडियम कोट के ही जर्मन शेफर्ड ज्यादा पसंद होते हैं क्योंकि गर्मियों में भी उन्हें मेंटेन रखना काफी आसान होता है। वैसे ये जो जर्मन शेफर्ड हैं ये भी मीडियम कोट में है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और इनमें आप लोगों को एंगुलेशन भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इन पपीज की जो मदर है उसका काफी अच्छा एंगुलेशन है। तो फ्रेंड्स एक अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड लेने से पहले उनकी बोन साइज भी जरूर देखें, जैसे कि आप लोग इन पपीज की देख रहे हैं जो कि काफी हैवी है। और सेकेंड चीज होती है इनकी टेल, तो जब भी आप लोग जर्मन शेफर्ड को परचेज करें तो ये चीज जरूर देख लें कि उनकी टेल लॉन्ग एंड थिक जरूर हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इन पपीज के मदर और फादर से भी मिलवा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में है और हाइट भी बहुत ही बढ़िया है। और पपीज की मदर की क्वालिटी और इसका एंगुलेशन भी देख सकते हैं जो कि काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स पपीज की क्वालिटी में तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड गाइस अगर आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट डॉग ओनर से डिस्कस कर सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है शिवानी सिंह, सेकंड है श्रेया सिंह एंड थर्ड है वंश भूरे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें जर्मन शेफर्ड पपीज की एज के बारे में तो आज ये पपीज 32 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। और फ्रेंड्स डिलीवरी को लेके ओनर का स्पेशली ये कहना है कि आप लोग डिलीवरी को अवॉइड करके डायरेक्ट घर आकर पपीज की क्वालिटी चेक करके इन्हें परचेज करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि डिलीवरी तो आप लोगों को इन पपीज पर वैसे भी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं पपीज के प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स पपीज की क्वालिटी तो काफी अच्छी है और ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 14,000 रुपीज 14,000 रुपए एंड फीमेल की है 11,000 रुपीज यानी 11,000 रुपए एंड इस प्राइस में भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ पपीज की क्वालिटी और प्राइस आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।